hello students how are you i hope you all are good bacho so today we are going to complete this topic it's very interesting very easy topic And it is called question tags okay so question tags is very small topics and you can easily understand this topic so let's begin bacho sometimes a speaker finishes his statement with a short question to see if the listener agrees with him or not this short question is called a question tag so कई बार हमारा क्या होता है बच्चे कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया जाता है ना शॉर्ट फॉर्म में हम नो yes, एग्री no, हो आप नहीं एग्री हो एक कन्फर्मेशन के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हीं को क्वेश्चन टैग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज लवली साइट इज इड तो आपने नोटिस किया ये फर्स्ट बच्चे जो सेंटेंस है बिफोर कोमा ये पॉजिटिव है ओके okay? देन जो आफ्टर वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव है इज इट इसमें छिपा क्या है इज नॉट इट ऐसे ही सेकंड वाला द प्लान इज नॉट एट ऑल गुड फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नॉट कैरी किया हुआ है इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंसिव है और सेकेंड वाला हमेशा होगा एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर अ वॉक विल यू डोंट मेक अल यून वेल यू यूज किया जाता है बच्चे क्वेश्चन टैग के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर थर्ड रूलटिव क्वेश्चन टैग यहां पर आप देखेंगे आई इज आंट आई एंड नॉट सो आपने देखा यहां पर आई के लिए आर आई का यूज किया गया आर नॉट आई इसका मतलब द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर आई इज एम आई फॉर एग्जाम्पल आई एम योर फ्रेंड आंट आई आई एम नॉट इंजॉइंग हेल्पिंग वर्ब विच मे बी यूज कहां पर किया जाता है इन सेंटेंस के अंदर जहां पर हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग का ठीक है सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे शी प्लेज फुटबॉल वेल डजेंट ही शी कॉल योर नेम डिंट शी शी वी कैन सी द सी फ्रॉम हेयर कांट वी वी वुडेंट लाइक टू गो देयर वुड बी सो यहां पर आपने देखा बच्चे जो हेल्पिंग वर्ब है विच मे बी यूज इन अ सेंटेंस इज यूज टू एज अ क्वेश्चन टैग की तरह उनको यूज किया जाता है ओके okay? तो so, इस तरह से आपने कंप्लीट करनी है बच्चे प्रैक्टिस डेल को भी इसको समझते हुए और इसको करना नहीं भूलना स्टूडेंट्स